सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। गुड नेम अहमद। अहमद साहब क्या करते हैं जी? वैसे ही बस पढ़ते हैं। पढ़ते हो? अच्छा, कौन सा खेल खेल रहे हो आजकल? खेल क्रिकेट वगैरह सारे ही खेलते हैं, क्रिकेट लेकिन ज़्यादा शौक से खेलते हैं। सही हो गया। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है? यार देखा जाए दोनों टीम बराबर की स्ट्रॉन्ग है, उनके पास भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउटस्टैंडिंग है, हमारे पास भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन बहुत आउटस्टैंडिंग है, विराट कोहली उनके पास है तो हमारे पास बाबर आजम है। हर कंपेयर किया जाए बॉलर के लिहाज से किया जाए, स्पिनर के लिहाज से किया जाए तो हर बंदे का बराबर टीम है। देखा जाए तो मैच बहुत टफ होगा, बहुत मज़ा आएगा और बोले जोश जज्बे से देखा जाएगा। पाकिस्तानी मामले ऐसे भी इस मैच के लिए ऐसे सीन होता है जैसे कोई हॉलीडे आ गया, कोई छुट्टी आ गई है, सारी दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा, सब घरों में जैसे मैच जीता पाकिस्तान सब सड़कों पर, इतना जश्न 14 अगस्त पे नहीं करती वहाँ जितना मैच जीतने पे कर लेती है। हमारे सीनियर प्लेयर जो हैं जैसे फीज हो गया और दूसरे मलक हो गया, ये रिटायर हो गए शायद, और टीम को इसकी कमी महसूस होगी? देखा जाए बात की फीस की, फीस मेरी नज़र में वो वाहिद प्लेयर है जो बाबा होने के बावजूद भी आउटस्टैंडिंग है, बहुत तेज़ खेलता है यार वो बंदा। T20 में अगर तो उससे लेविश बैट्समैन पाकिस्तान के पास शायद ही आया हो, और अगर नहीं खेलेंगे तो इससे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उनके सीनियर प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर के पास तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है, चाहे देखें ना एक सेकंड भी कोई बड़ा हो ना उससे उसके पास तजर्बा ज़्यादा, तो उन्होंने उनसे खेले और क्रिकेट की जो लाइफ है उनकी उन सबसे ज़्यादा है जो अब आए हैं लोग। तो यकीनन बस कहने का मतलब ये है कि उस पर स्ट्रेटजीज पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फीस जो है वो बताते रहे कप्तान रहे हैं T20 के काफ़ी लंबे अरसे तक। और शहनशाह फरीदी को टीम से बाहर निकाला, इसकी क्या वजूहत है? टीम से निकाला नहीं है, ड्रॉप किया गया, कोई पता नहीं शायद मैच से पहले आ जाए, मतलब जो है वो पेश करती रहती है कंट्रोवर्सी। अब उधर से उन्होंने बुमराह को भी सुनने में आया कि ड्रॉप किया है, अब दोनों को करके वो एक उधर से पाकिस्तान ने शहीन को किया, उन्होंने बुमराह करके अब कोई ना कोई ये सीन क्रिएट कर रहे हैं आवाम के लिए भी अपने लिए भी। लेकिन अगर मैच का ज़्यादा मज़ा देखा जाए तो इन दो प्लेयरों के साथ ही है, बुमराह भी मुझे बहुत पसंद है और फरीदी बहुत पसंद है। अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जाए तो पिछली बार शाहीन अफरीदी ने इंडिया के तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन को खेला, विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा को, तो याद जो थी आमिर की जो कमी थी वो शाहीन, नो डाउट आमिर बहुत बड़ा बॉलर है लेकिन शाहीन ने उसकी कमी पूरी की थी, तो अगर नहीं खेलेगा तो अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह जीत तो पाकिस्तान की होगी। कोहली को कप्तानी से हटा के और उसे रोहित को बना दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कोहली को ज़्यादा एक्सपीरियंस है या रोहित को? देखिए एक्सपीरियंस की बात की जाती है तो इंडिया जो है वो गेम नहीं खेलता, इंडिया अपना माइंड खेलता है, ठीक है। इंडिया ने इधर ये सीन क्रिएट किया है, अब धोनी से बड़ा कैप्टन इंडिया के पास कोई भी नहीं आया, अब धोनी की कप्तानी थी तो धोनी ने कप्तानी से रिटायरमेंट लेके विराट कोहली को दी, अब विराट कोहली भी तो धोनी के अंडर, मतलब कि धोनी विराट कोहली के अंडर खेल रहा था, ये तो भी कह सकते हैं कि धोनी सीनियर प्लेयर है उसको कप्तान नहीं, बेसिकली वो अपनी ही मौजूदगी में नया कप्तान रेडी कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे अब विराट कोहली अपनी ही मौजूदगी में एक नया कप्तान रेडी करेगा, ठीक है, अब उसको तो पता सारा कुछ पता स्ट्रेटजी पता है, विराट कोहली को जितना खेल उसने खेला है क्योंकि एक परफॉर्मेंस देने वाला बंदा है, आजकल नो डाउट के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे लेकिन वो अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, क्रिकेट है कोई मतलब कि लाइफ भी लाइफ में भी आते हैं, तो क्रिकेट कौन सी अहमियत का मिला है। क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान को इस बार टफ टाइम दे पाएगी जैसे पहले हुआ था, क्या ऐसे होगा अभी? यार टफ टाइम तो हर मैच में देती है, इंडिया भी देती है पाकिस्तान भी देती है, आपने देखा होगा कोई भी साइड वन साइडेड नहीं होता पाकिस्तान इंडिया का कोई भी मैच, तो ये मैच भी इंशाल्लाह बहुत सनसनी खेज होगा, एंड के ओवर तक जाएगा, बड़ा लेविश प्रोग्राम होगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो स्क्रीनिंग वगैरह करेंगे, गलियों में भी होती है स्क्रीनिंग वगैरह, सारे कज़न वगैरह इकट्ठे होते हैं, रात का खाना भी नहीं पकता, बड़ा इन्जॉयमेंट होता है यार। कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच पूरी दुनिया में सबसे फेमस है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये नहीं कि हमारे मुल्क में देखा जाता है, तमाम मुल्कों में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा जाता है। अब किसी मुल्क में चले जाएँ उधर अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, वर्ल्ड कप में आ रहा है, किसी भी सिचुएशन में मैच आ रहा है तो वो टिकट्स पहले ही बुक हो जाती हैं, हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता महीने महीने भी यहाँ तक सुनने में आया कि बुक हो जाती हैं पहले ही, तो वो लाजम नहीं कि उसमें सारी वाम पाकिस्तान इंडिया की होती है, बाहर की वाम भी बहुत आती है क्योंकि तमाम वाम को पता कि इनकी कंट्रोवर्सी बहुत हैवी है, और वो जो खेल हो रहा था वो शोर वो बहुत लैविश है, वो बंदा का पता लगता है कि यार कोई स्पोर्ट्स हो रही है, पता लगता है मज़ा आता है। वाहिद मैच है जिसपे ग्राउंड बुक होती है पूरी पूरी फुल, कोई मैच में मेरी नज़र में ऐसा नहीं है, एशीज होती हैं उसमें फुल हो जाती हैं, वो भी बड़े मज़े की होती हैं वगैरह। दुबई की जो विकेट है वो किसके लिए ज़्यादा लक है, पाकिस्तान या इंडिया के लिए? पाकिस्तान के लिए नो डाउट ज़्यादा लक है क्योंकि पाकिस्तान की होम ग्राउंड की किस्म की
वो एक टाइम तक रही है। अब तो पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी हद तक बहाल होगी भी है, तो पाकिस्तान के लिए वो जो ग्राउंड आती है होम ग्राउंड आती है पाकिस्तान को, उसकी पिच का पता है, अप्स एंड डाउन्स का पता है कि यहाँ पे मतलब कि नमी आ जाएगी, इधर ड्राई हो जाएगी पिच, बड़े उन्हें सिचुएशन का पता है, पहले बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। नो डाउट इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा मैच खेले हैं हर सिचुएशन के हवाले से, इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, अब जिस पिच पर खेलने जाते हैं उसके लिए नॉलेज भी रख के लेके जाते हैं, तो दोनों के लिए बराबर का ही मैं कहूँगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेनिफिट है क्योंकि उसके ग्राउंड में पहले बहुत ज़्यादा मैचेस खेला हुआ है, एक दो नहीं खेला हुआ, इंडिया की नस्बत बहुत ज़्यादा मैचेस खेला हुआ है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया सर।